जादुई कमल और लाल परी। एक सुंदर सरोवर में तरह तरह के कमल खिलकर उसकी शोभा में चार चांद लगा रहे थे। उसी सरोवर के किनारे एक घर में एक दंपत्ति राजेंद्र, रेखा और उनका एक जवान बेटा गौरव रहते थे। गौरव के बाबूजी, अपना बेटा जवान हो गया है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। मेरी भी यही इच्छा है। हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, सुंदर है, मेहनती है, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। हजारों में एक है हमारा राजदुलारा, उसके लिए तो एक सुंदर सुशील राजकुमारी ही चाहिए। किसके लिए राजकुमारी ढूंढ रहे हो माँ, किसकी बात चल रही है? अरे पगले, तेरे बारे में ही हम लोग बातें कर रहे हैं, तू सब कुछ समझ कर भी अनजान बन रहा है। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तब क्या बूढ़ा होने के बाद करेगा? माँ, जिस दिन राजकुमारी मिल जाएगी मैं शादी कर लूँगा। बेटा, तुझे राजकुमारी ही मिलेगी। रात हो गई और सभी लोग सोने लगे। आज गौरव को नींद नहीं आ रही थी। अचानक आधी रात के बाद उसने देखा कि सरोवर में एक बहुत बड़ा सुंदर कमल खिल गया। उस कमल के चारों तरफ रोशनी फैल रही थी। इसके बाद आसमान में उजाला फैल गया। एक उड़न खटोला धरती की तरफ आने लगा। जैसे ही उड़न खटोला सरोवर के किनारे पहुंचा, उसमें से एक सुंदर लाल वस्त्र धारण किए हुए लाल परी बाहर आई। उसके चेहरे पर गजब का तेज था, सुंदरता उस पर निसार हो रही थी। गौरव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गौरव ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में इससे पहले इतनी सुंदर स्त्री को नहीं देखा था। वो अपने घर के झरोखे से उस लाल परी को देखता ही रह गया। वो परी उस सुंदर कमल के चारों तरफ उड़ती रही, उसे निहारती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमल से उसका बड़ा गहरा नाता था। कुछ देर के बाद परी फिर उड़न खटोले पर बैठकर परीलोक में चली गई। गौरव सरोवर के समीप चला गया। उसने देखा वो कमल सरोवर में धीरे धीरे छोटा होकर अदृश्य हो गया। इस तरह से आधी रात को रोज लाल परी उड़न खटोले पर सरोवर में आती थी और उस विशाल कमल के इर्द गिर्द घूमती थी, उसे देखती थी। गौरव रोज इस दृश्य को देखने के लिए ललायत रहता था। उसके दिमाग में यही प्रश्न कौनता रहता था कि लाल परी ऐसा क्यों करती है, इस कमल का रहस्य क्या है। एक रात बहुत देर तक लाल परी उड़न खटोले से सरोवर के पास नहीं आई। विशाल कमल सरोवर में ऊपर तक आ चुका था। गौरव बेसब्री से लाल परी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद वो स्वयं सरोवर के नजदीक पहुंच गया। वो उस आकर्षक रोशन कमल को देखने लगा। कमल की पंखुड़ियां अचानक बढ़ने लगी और सरोवर के किनारे तक पहुंच गई। गौरव आगे बढ़ा और पंखुड़ी पर चलते हुए कमल के मध्य भाग में पहुंच गया। इसी बीच लाल परी भी उड़न खटोले से सरोवर के तट पर आ गई। कमल की पंखुड़ियों को सरोवर के तट पर फैली हुई देखकर वो खुशी से फूली नहीं समाई। वो दौड़कर पंखुड़ी पर चढ़ती हुई कमल के फूल के मध्य में पहुंच गई। गौरव ने लाल परी को अपने समीप देखा और वो बहुत खुश हो गया। आप यहाँ? जादुई विशाल कमल की पहेली को मैं समझ नहीं पाया, क्या आप इसके बारे में जानती हैं? मैं सब कुछ जानती हूँ, हम दोनों पिछले जन्म में राजकुमार और राजकुमारी थे। आप विजयनगर के राजकुमार थे और मैं सुमन नगर की राजकुमारी। मैंने स्वयंवर में आपको वरमाला पहनाई थी। इसके बाद एक दिन मैं आपकी याद में खोई हुई थी और एक महर्षि मेरे सामने आए, लेकिन मैं उनको देख न सकी और उनका आदर सत्कार न कर सकी। उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। उनके श्राप के कारण हम दोनों पिछड़ गए। ऋषि ने कहा था कि जिस राजकुमार की याद में तुमने मेरी अवहेलना की है वो तुमसे दूर हो जाएगा। मैंने उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे ऋषिवर, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, अनजाने में मुझसे ये भूल हुई है। मैं आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ये श्राप वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा कि इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में
तुम एक परी बनोगी और तुम्हारे सपनों का राजकुमार तुम्हें एक जादुई विशाल कमल के अंदर मिल जाएगा। दोनों के मिलन के पश्चात तुम परी से राजकुमारी बन जाओगी। जादुई कमल तुम्हें बहुत सारी धन संपदा देगा। मैं प्रतिदिन इस कमल की पंखुड़ियों के द्वारा कमल में प्रवेश की राह देखती हूँ। आज वो शुभ दिन आ गया और मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया। लाल परी एक सुंदर राजकुमारी बन गई और गौरव सुंदर राजकुमार बन गया। जादुई कमल ने सोना चांदी हीरे मोती और धन संपदा से भरा हुआ एक बक्सा दोनों को प्रदान किया। दोनों का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ और वो सुख से रहने लगे। दादाजी की जादुई घड़ी। दादाजी, क्या हम नई घड़ी नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये घड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है। नहीं राम, ये घड़ी यही रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। पर क्यों दादाजी, इस घड़ी में ऐसा क्या है? राम, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम नहीं समझ सकते। नहीं दादाजी, मुझे सुनना है कि ऐसा इस घड़ी में क्या है। राम, यहाँ दादाजी को परेशान मत करो। नहीं माँ, मुझे सुनना है कि आखिर ऐसी क्या बात है इस घड़ी में कि दादाजी हमें नई घड़ी नहीं लाने देते। मेरे सारे दोस्तों के घर में नई तरीके की घड़ियाँ हैं और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आ गया पुरानी घड़ी वाला। दादाजी सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें लगा कि अब राम को सचमुच बताना ही पड़ेगा। रात को दादाजी ने राम को अपने कमरे में बुलाया और उसे घड़ी के बारे में बताने लगे। राम भी उत्सुकता से सब कुछ सुनने लगा। रात होने पर दादाजी ने राम को अपने बचपन की कहानी सुनाई। एक बार उनके गांव में बाढ़ आई थी। उस समय उनके पिताजी गांव के सरपंच थे। सारा गांव मंदिर की छत पर जमा हो गया था। पानी उतरने पर जब सब अपने अपने घर गए तो देखा सबके घरों का सामान बह चुका था। दादाजी के घर का सामान भी बह चुका था। बस एक घड़ी दिखाई पड़ रही थी जो उनकी नहीं थी। दादाजी के पिता ने गांव में सबसे पूछा कि ये घड़ी किसकी है, पर वो किसी की भी नहीं थी। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि घड़ी चालू थी। पिताजी ने घड़ी को वहीं दीवार पर टांग दिया कि ये घड़ी जिसकी होगी वो यहाँ से ले जाएगा। लेकिन पिताजी ने ये महसूस किया कि जब भी गांव में कोई मुसीबत आने वाली होती तो घड़ी का अलार्म जोर जोर से बजने लगता और पिताजी को गांव की रक्षा करने के लिए समय मिल जाता। इस घड़ी ने कई बार गांव वालों को और उनके परिवार वालों को मुसीबत से बचाया था। पिताजी के बाद दादाजी सरपंच बने। दादाजी के पिता की मौत के पहले और उनके माताजी की मौत के पहले भी घड़ी का अलार्म बजने लगा था। ये कोई साधारण घड़ी नहीं है, ये जादुई घड़ी है। दादाजी, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भी कभी होता है क्या? जैसे ही राम ने ऐसा कहा, अलार्म जोर जोर से बजने लगा। दादाजी और राम दोनों भागे तो देखा कि राम की माँ सीढ़ियों से नीचे गिरी पड़ी है और वो बेहोश पड़ी है। सब माँ को अस्पताल ले गए और माँ सही सलामत बच गई। माँ का इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा, अगर इनको यहाँ लाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो इन्हें बचाना मुश्किल था। दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ये जादुई घड़ी है। अब मैं कभी भी इसे बदलने की बात नहीं कहूँगा। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। राम, क्या तुमने दादाजी को घड़ी बदलने के लिए कहा था? हाँ पिताजी, मुझे नहीं पता था कि ये घड़ी हमारे घर के सदस्य जैसी है। अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। दूसरे दिन राम स्कूल गया और सारे दोस्तों को उसने ये कहानी सुनाई। पहले तो सभी दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और उससे कहने लगे कि ऐसा नहीं होता, तुम अपने घर की घड़ी बदलना ही नहीं चाहते, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो, और उसका मजाक उड़ाने लगे। राम के जन्मदिन वाले दिन राम ने अपने सभी दोस्तों को घर पर बुलाया। राम केक काट ही रहा था कि अचानक बहुत तेज घड़ी के अलार्म की आवाज आई। जब देखा तो राम का एक दोस्त बाथरूम में बंद था और बहुत जोर से रो रहा था।
लेकिन पार्टी के शोर में उसके दोस्त शांतनु का रोना किसी को सुनाई ही नहीं दिया। दरवाजा खोला गया और शांतनु बाहर आया तो सबने पूछा, शांतनु तुम ठीक तो हो ना? बाथरूम बंद हो जाने के कारण शांतनु थोड़ा घबरा गया था और बेहोश हो गया था। तभी राम के पापा ने डॉक्टर को फोन किया। घर आने पर डॉक्टर ने शांतनु को चेक करने के बाद में कहा, देखिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, बच्चा थोड़ा सा डर गया है, अभी ठीक हो जाएगा। इतने में शांतनु के मम्मी पापा भी वहां आ गए। उनको सारी बात बताई गई। शांतनु राम का वो दोस्त था जो राम को सबसे ज्यादा परेशान करता था और सबको राम का मजाक उड़ाने के लिए कहता था। उस दिन शांतनु को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और शांतनु ने राम से कहा, राम मुझे माफ कर दो। उस दिन सबने राम की कही हुई बातों पर विश्वास किया और सभी दोस्तों ने उस दिन से राम को परेशान करना बंद कर दिया। जादुई घड़ी से सभी बहुत प्रभावित नजर आ रहे थे।